तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। जो लोग टिकटॉक यूज़ करते हैं, जो लोग टिकटॉक पर वायरल होना चाहते हैं, फेमस होना चाहते हैं, किसी भी तरह से मेहनत करने के बाद भी उनकी वीडियोज़ वायरल नहीं होती हैं, उनकी वीडियोज़ पर व्यूज़ नहीं आते हैं, या उनकी वीडियोज़ पर लाइक्स नहीं आते हैं, या फिर एवरीथिंग जो उनके साथ दिक्कतें होती हैं टिकटॉक पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आपकी वीडियोज़ अच्छी रैंक करेगी, कैसे व्यूज़ अच्छे आएंगे, कैसे लाइक्स आपके आएंगे, और कैसे आप अपने फेमस कर सकते हैं अपने कंटेंट को। तो दोस्तों वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। दोस्तों चलिए वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि दोस्तों आपने कंटेंट वो यूज करना है जो टिकटॉक पर चल रहा है, बल्कि वो नहीं जो आपने खुद से बनाया, खुद से क्रिएट करा हुआ। अगर आपका वाकई पावरफुल है तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ भी वायरल होती है, लेकिन उससे हटकर अगर वही चीज़ आप ट्रेंडिंग पर दिखा दो तो वो ज़्यादा अच्छी वायरल हो जाती है। अब जैसे मान लो ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या क्या होते हैं लोगों को यही नहीं पता और वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो कुछ भी, अभी लोगों को पुराने गाने को शौकीन है तो पुराने गाने लगाए और उसको लगा दिया, लेकिन उस पर व्यूज़ नहीं आते, लाइक्स नहीं आते, तो लोग कमेंट भी कर देते हैं मुझे कि भाई मैं तो ऐसे ऐसे कंटेंट बना रहा हूँ यार, मेरे पास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी आईडी मेरे को शेयर करी है, लाइक आईडी और टिकटॉक आईडी। तो मैंने देखा है, देखने के बाद मैंने यही देखा है उन लोगों की आईडीज़ पर कि एक्चुअली आप लोग टिकटॉक के रास्ते में ठीक जा रहे हो, लेकिन जो ट्रेंडिंग है वो उस रास्ते पे आप हो ही नहीं। तो जब तक ट्रेंडिंग के रास्ते पे नहीं हो गए तो यार कैसे आप, क्योंकि जो लोग ट्रेंडिंग के रास्ते पे इस वक्त हैं वो ऑलमोस्ट अच्छे व्यूज़ ले जाते हैं, ऑलमोस्ट अच्छी रीच ले जाते हैं, लेकिन आप उस रास्ते पे हो ही नहीं। तो कैसे उस रास्ते पे आना है आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो पहला टॉपिक आप देख पा रहे होगे, ये है मंकी फेस। तो मंकी फेस में आपने क्या करना है, मंकी फेस का फिल्टर एक बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इस वक्त और ट्रेंडिंग टैग बन चुका है ये। अब जब ट्रेंडिंग टैग बन चुका है तो ऑलमोस्ट उस पर व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं, लोग बाग जो उसको यूज़ कर रहा है, इस फिल्टर को यूज़ कर रहा है, उसके अच्छे व्यूज़ भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं देखते हुए। तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपने ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही कोई एक टॉपिक निकालना है, एक टैग निकालना है और उस टैग पर अपनी वीडियो बना दी है, जिसमें से एक ये आपका हो गया आपका मंकी फेस वाला। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा सागर गोस्वामी को आप देख सकते हैं। ये ज़्यादातर जितनी भी वीडियोस बनाता है भले ही एटीट्यूड के साथ बनाता है, लेकिन क्वालिटी इसकी वीडियो में होती है, और क्वालिटी स्टार्टिंग में जो होती है एंड तक पहुँचते वो दुगनी हो जाती है। रीज़न ये है कि ये अपनी वीडियोस में हर बार लास्ट टाइम में स्लो मोशन का यूज़ करता है। तो आपने भी क्या करना है, अभी टैग चल रहा है स्लो मोशन का, और क्योंकि ये ट्रेंड भी चल चुका है स्लो मोशन का, तो अब आप कुछ भी करो स्लो मोशन उसमें डाल दोगे तो आपकी वीडियोज़ एक अलग क्वालिटी देने लगेगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया, ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। अब बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। तो तीसरा टॉपिक जो है वो थोड़ा सा हटकर है, मतलब उसमें आप हर कैटेगरी का बंदा उसमें आ सकता है। तीसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, अगर आपके पास अपना कोई कंटेंट है, चलो मैं ऐसे आ जाता हूँ, अगर आपके पास कोई अपना कंटेंट है जो आपने खुद से क्रिएट करा है और आपको लगता है कि वाकई ये कॉमेडी है, वाकई ये चल सकता है, किसी भी तरह से आपको लगता है कि ये मेरा कंटेंट जो है वो चल सकता है, तो आपने वो बना लेना है। बनाने के बाद उसमें करना क्या है, देखो बनाने के बाद आपने जो टिकटॉक पर ट्रेंडिंग टैग चल रहा है, ट्रेंडिंग पेज खोलो, ट्रेंडिंग पेज में जो भी टॉपिक चल रहा है उस टैग का यूज़ आपने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देनी है। अब अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कैसे देना है, मान लो जैसे कि अभी कोई टैग चल रहा है टिकटॉक ट्रैवल, तो ये टैग टिकटॉक ट्रैवल का है, आपने जो वीडियो बनाई है वो कॉमेडी की बनाई है, तो जब आपने वीडियो कॉमेडी की बनाई है तो उसमें आप टिकटॉक ट्रैवल का टैग यूज़ कर दोगे तो आपकी क्या है, उस टैग के अंदर आपकी ये कॉमेडी वीडियो भी जाएगी। तो जब ये वीडियो जाएगी तो जो लोग ट्रैवलर वाले, जितने भी टैग्स वाले, जितने भी व्यूवर्स हैं, जिन लोगों ने ट्रैवलर टिकटॉक ट्रैवलर वीडियोस देखी हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी वीडियो भी उसमें शुमार हो जाती है और आपकी वीडियो भी उन तक पहुंचने लगती है। और अगर आपका कंटेंट अच्छा होता है तो वो वीडियो आपकी रैंक करने लगती है, जैसे कि एल्गोरिथम आपका यूट्यूब का और टिकटॉक का पता है, तो इस तरह से ये काम करती है। तो इन तीन टॉपिक पर आपको वीडियो बना लेनी है। अब जैसे तीन टॉपिक क्या कहते हैं, पहला टॉपिक जो मैंने आपको बताया वो तो जो अभी ट्रेंडिंग टैग चल रहा था वो है मंकी फेस वाला, आपने बनाई है और डालिए, बड़ा कॉमेडी इफेक्ट आता है, बड़ा मज़ा आता है उसमें। दूसरा स्लो मोशन, कुछ भी बनाइए लास्ट में स्लो मोशन डालो तो और अच्छा ज़बरदस्त मज़ा आएगा। तीसरा आपके पास कुछ भी कंटेंट है ज़बरदस्त आपने बनाया है तो उसको उठा कर चुपचाप से किसी भी एक टैग को लेकर डाल देना है,
उस टैग के ज़रिए आपकी वीडियोस अच्छी रैंक कर जाएगी। तो बस यही तीन चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपने अब वीडियो बनानी है, और मैं इस बात को लिख के बोल सकता हूँ कि आपकी वीडियोस वायरल भी होगी, आपकी वीडियोस पर व्यूज़ भी आएंगे, आपकी वीडियोस अच्छी रैंक भी करेगी। बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ मैं इस बात को बोल सकता हूँ। बस जिस तरह से मैंने बताया वही आपको करना होगा, और आपकी टिकटॉक से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत या क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं वो हमें कमेंट करके आप ज़रूर पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं ज़रूर 100% सभी लोगों का क्वेश्चन भी रिप्लाई करता हूँ, सब लोगों से बातचीत भी मेरी चलती रहती है कमेंट्स में, तो उसी तरह से आप भी मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं अपनी परेशानियों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसे लगी सबसे पहले तो मुझे ये बता देना, अगर आपको वाकई किसी से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा के जाना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाय।